आप सभी को मेरा नमस्कार। महिला किसान दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम है पायल अग्रवाल, मैं मेरठ से हूँ। गढ़ रोड दतावली गांव में मैं वर्मी कंपोस्टिंग का काम करती हूँ। लगभग 3 साल से मैं केचुआ खाद बनाने की यानी कि वर्मी कंपोस्टिंग की यूनिट चला रही हूँ। आप पीछे देख सकते हैं, इस तरीके के जो बेड्स आप लगे हुए देख रहे हैं, ये वर्मी कंपोस्टिंग के बेड हैं। लगभग 3 साल से मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ। पहले मैंने 1 एकड़ की जमीन से काम शुरू किया, अब जिस जमीन पर हम काम कर रहे हैं ये लगभग 3 एकड़ है। सभी महिला किसानों के लिए मेरा एक संदेश है कि आप चाहे खेती कर रहे हैं या किसानी कर रहे हैं, काम में नौकरी के बजाय अपार संभावनाएं हैं। जब मैंने इस काम को शुरू किया तो मुझे नहीं पता था कि मैं कितना आगे जा पाऊंगी। जब शुरू किया था तो मैं कुल 30 बेड पर थी और आज मेरे पास आप देख सकते हैं लगभग 300 से 400 बेड हैं। यहाँ से बनने वाली सारी खाद हम किसानों को डायरेक्टली बेचते हैं। दूसरा, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं जहाँ लोग बाग लगाते हैं या फिर अपने घरों में जो किसानी सॉरी अपने घरों में जो बालकनी में या छतों पर जो गार्डनिंग करते हैं, वहाँ पर ये खाद इस्तेमाल होती है। इस काम के साथ साथ मैंने ये भी नोटिस किया कि इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। मैं इसी काम से जुड़कर और भी कई तरीके के काम कर सकती हूँ और पैसे कमा सकती हूँ। सभी महिला उद्यमी या किसान जो खेती किसानी कर रही हैं, उन सभी के लिए मेरा एक संदेश है। आप चाहे कोई बागवानी करती हूँ या खेती करती हूँ या फिर आप किसी भी तरीके का एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़कर अगर आप कोई काम कर रही हैं, आप याद रखिएगा कि हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है एग्रीकल्चर सेक्टर। आज भी हम अपने देश को सोने की चिड़िया बना सकते हैं अगर आप लगन से मेहनत से अपने उसी कार्य को करते रहें। चाहे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाएं बड़े बड़े शहरों में या फिर दूसरे देशों में, हर चीज़ की डिमांड है। चाहे वो खाने पीने की चीज़ हो या रोज़मर्रा में इस्तेमाल करने वाली किसी भी तरीके की कोई चीज़ हो, तो ये मेरा संदेश है आपके लिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको करते रहें। किसी भी तरीके की खेती या बागवानी को आप ऑर्गेनिकली करें, किसी भी पेस्टिसाइड केमिकल का इस्तेमाल ना करें। समय लगेगा पर आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद।